आज राजकोट में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि जो बड़े लोग हैं, ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये सारे लोग आकर जो बालक अभी शोषित थे, पीड़ित हैं, थैलेसीमिया वाले बालक हैं, कई बालक दिव्यांग हैं, और ऐसे 500 बच्चे आज राजकोट के यहाँ आए और 500 बच्चों को ले जाने के लिए, उसको फन कराने के लिए, उसके साथ फोटो कराने के लिए, सेल्फी पढ़ाने के लिए आज सारे राजकोट के जो गणमान्य जो लोग हैं आज यहाँ आए। और इससे ये साबित हो रहा है कि नरेंद्र भाई का जो स्वप्न है कि आज एक भी पीड़ित ऐसा न रहे, वंचित न रहे कि वो आम समाज के साथ प्रवाह में ये जुड़े नहीं, तो इसलिए आज मुझे लगा कि ये सपने का वावितर जो गुजराती हेडिंग में हमने ये जो इवेंट बनाया है, इससे ये महसूस होता है कि जो समृद्ध हैं, जो साधन संपन्न हैं, वो लोग भी आज समाज सेवा के लिए, ये 500 बच्चों के लिए आज अपनी मर्सिडीज कार, ओडी कार और बहुत बड़ी बड़ी कार, कि ये शोषित और पीड़ित और दिव्यांग बच्चे, शहीदों के बच्चे ये कभी देख नहीं पाते, उसके लिए ये सारे लोगों को लेकर ये सारे शहर में उसकी हर हर जगह पर उसका बहुमान होगा और अंत में वो बहुत राजकोट की बहुत बड़ी होटल में उसका भोजन डिनर रखा है। मुझे लगा कि ये इससे ये महसूस होता है कि समाज के साधन संपन्न लोगों और जो पीड़ित लोगों हैं, शोषित हैं, वो दोनों का समन्वय करने का ये मौका ईश्वर ने हम सबको दिया है। राजकोट इसमें अग्रेसर है और राजकोट हर हमेशा ये काम करता रहता है।